Good morning, children. How are you all? Hope you all are happy and safe at home. बच्चों, आज मैं आपको क्रिसमस की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. Are you all excited? Yes, okay. So let's begin. बच्चों, बहुत समय पहले एक गांव में एक मैरी नाम की लड़की रहती थी. वो बहुत ही दयालु स्वभाव की थी और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी. एक दिन वो सो रही थी, तभी वहां एक एंजल आई. देखो बच्चों, सुंदर सी एक एंजल आई और उन्होंने कहा, मैरी, आपका जो बेबी बर्थ लेगा वो इस संसार के लिए बहुत अच्छे काम करेगा और इस संसार में उसका नाम हमेशा अमर रहेगा. ऐसा बोल के एंजल वहां से चली गई और मैरी एकदम उठी. अरे, ये मैंने क्या सपना देखा. बच्चों, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी उसी गांव में रहने वाले जोसेफ के साथ हुई. उन दोनों की शादी हुई और वो दोनों हैप्पीली रहने लगे. शादी के बाद मैरी और जोसेफ खुशी खुशी इसराइल के नाजरे नामक गांव में रहने लगे. कुछ दिनों के बाद उस शहर के राजा ने यह घोषणा की कि जो लोग यहाँ के निवासी हैं, उनकी जनगणना की जाएगी. और जो जनगणना क्या होती है, जब कोई देश में हम रहते हैं ना, तो हमारी एक गणना की जाती है, काउंट किया जाता है हमें उस देश के नागरिक के रूप में. तो उस देश, उस गांव के राजा ने भी यही बोला कि जो मेरे नागरिक है मेरे देश के, उनकी गणना करो ताकि जो उनकी जरूरतें हैं या जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके. लेकिन जोसेफ उस गांव के नहीं थे. राजा की बात सुनकर मैरी और जोसेफ ने अपने शहर बैतलहम जाने का विचार किया और वहां से वो अपने शहर बैतलहम के लिए रवाना हुए. बच्चों, उस समय ऐसी कोई गाड़ी नहीं चलती थी कि सभी लोग जल्दी से पहुंच जाएं, है ना. एरोप्लेन या ऐसे ट्रांसपोर्ट्स नहीं हुआ करते थे. उन्हें कई दिन लगे. जब वो बैतलहम शहर पहुंचे तो रात हो चुकी थी. रात होने की वजह से वहां पर सभी धर्मशालाएं और रुकने के स्थानों की जगह भर चुकी थी. मैरी और जोसेफ ने इधर उधर बहुत ढूंढने की कोशिश की कि उन्हें रात बिताने की जगह मिले, लेकिन वो निराश हुए, उन्हें कहीं जगह नहीं मिली. अंत में उन्हें बैतलहम शहर के बाहर एक अस्तबल नजर आया. बच्चों, अस्तबल वो जगह होती है जहां पर हम रात में अपने एनिमल्स को आराम करने के लिए रखते हैं. उन्हें एक अस्तबल नजर आया और उन्होंने सोचा, क्यों ना हम रात इसी अस्तबल में गुजारें और सुबह अपनी रहने योग्य जगह देखें. और ये सोचकर वो दोनों उस अस्तबल में चले गए. बच्चों, उसी रात अस्तबल में बेबी जीजस का बर्थ हुआ. गांव में चरवाहे एनिमल्स को लेके घूम रहे थे. अचानक से एक तेज रोशनी वाला सितारा चमका. सभी चौंक गए, ये रोशनी वाला तारा क्यों चमक रहा है. तभी वहां एंजल फिर से आए और उन्होंने गांव के लोगों को बताया कि तुम्हारे शहर बैतलहम के बाहर एक अस्तबल में दिव्य बच्चे ने जन्म लिया है, जो संसार में बहुत ही अच्छे काम करेगा और तुम सभी के दुखों को दूर करेगा. गांव के लोग रात में ही वहां पहुंचे और उन्होंने कहा, देखा कि एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ है. उन्होंने झुककर उस छोटे से दिव्य बच्चे का स्वागत किया. तो बच्चों, आपको पता चला जीजा जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके मम्मी का नाम क्या था, उनके पापा का नाम क्या था. ये सभी चीजें आपको पता चली ना बच्चों, और आपको अच्छी भी लगी ना स्टोरी. बच्चों, उसी दिन से हम 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. तो बच्चों, ये थी क्रिसमस सेलिब्रेट करने की वजह और उसका एक छोटा सा स्टोरी. अच्छा, आप सभी ने ये सब देखा ना, डेकोरेशन, है ना. क्या आपने ये क्रिसमस ट्री देखा? ओ, देखा. लेकिन किसी ने ये मास्क देखा? यस, वेरी गुड. देखो, हमारी क्रिसमस ट्री ने भी मास्क पहना हुआ है. बिकॉज आपको पता है ना, हमारी सेफ्टी के लिए मास्क कितना जरूरी है. अभी मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज करें.